एवरीवन, दिस इज पूनम और आप देख रहे हैं आस्तिक हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपको भी डबल चिन है और आपका जो जॉ लाइन है वो फर्म नहीं है, और अगर आपको कॉन्टोरिंग वाला फेस चाहिए है, नेचुरल कॉन्टोरिंग चाहिए, तो आज मैं आपको बहुत बेहतरीन टिप्स बताने वाली हूँ, प्लस कुछ फेशियल योगा पॉस्चर्स बताने वाली हूँ। इससे आपका ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का ध्यान। जैसे कि मैंने भी एक गलती करी थी, मैंने सोचा कि जल्दी से मैं फेशियली योगा एक्सरसाइजेज सर्च करती हूँ, जैसे एक हफ्ते में अगर मैं मोटी भी हूँ तो क्या हुआ, कम से कम मेरा फेस सुंदर लगना चाहिए। तो क्योंकि यू नो वेट लॉस होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, लेकिन जब तक मेरा फेस ब्यूटीफुल लगना चाहिए, तो मैं सोचा कि एक वीक में मैं इसको कैसे कम कर सकती हूँ। तो मैंने वैसे एक्सरसाइजेस करके देखे, सब करके देखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता कि अगर आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद अगर आप फेशियल योगा एक्सरसाइजेस कर रहे हो, लेकिन आपको लगेगा उससे आपका फेस का जो मतलब जॉ लाइन बन जाएगा, आपका फेस का जो शेप है वो सही हो जाएगा, आपका डबल चिन चला जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में हो। ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान। आपका डबल चिन, आपका कॉन्टोरिंग, आपका ये जॉ लाइन, सब कुछ बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगा। इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट स्टिल, क्योंकि अभी भी मेरा जो जॉ लाइन है वो थोड़ा सा फर्म नहीं है, लाइक यू कैन सी, हल्का सा यहाँ पे मुझे और फर्म चाहिए है, इसलिए मुझे उसके रिजल्ट्स मिल रहे थे, सोचा मैं भी आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँ, तो आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर पाओ। तो जो फेशियल योगा एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके साथ साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको रखना है ध्यान डाइट का, आपको हमेशा बहुत लाइट डाइट लेना है। आप अगर आप लंच में थोड़ा सा कुछ चपाती, काब्स वगैरह भी ना सब कुछ ले रहे हो, लेकिन इसके बाद रात को आपको बहुत लाइट डिनर करना है। उससे आप देखना आपका ऑटोमेटिकली जो फेस है सुबह लाइट लगेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, आपको बहुत अच्छे से पानी पीना है, कंजप्शन आपका वाटर कंजम्पशन आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेट कंट्रोल। यस, अगर आपका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है और आप सोचोगे कि आपका कोई भी फेशियल एक्सरसाइजेस करने से आपका जो फेस का जो फैट है वो चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको रोज़ एक एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, भले आप 10 मिनट्स एक्सरसाइज करो, चाहे आप वॉक करो, आपको अपने वेट पे कंट्रोल रखना है। उसके साथ साथ ही आपका फेस का फैट भी जाता है, और उसको शेप देने के लिए हम लोग करते हैं कुछ फेशियल योगा पॉस्चर्स। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी आपको पता पड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले एक्सरसाइज आती है फिश फेस एक्सरसाइज। फिश फेस एक्सरसाइज से आपको क्या फ़ायदे हैं, आपका जो ये कॉन्टोरिंग फेस बनेगा, आपका जॉ लाइन जो होगा वो फॉर्म होता जाएगा, प्लस आपको डबल चिन में भी करेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बता रही हूँ ये तीनों पर वर्क करने वाली है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, फ्रेंड, इससे आपका जो यहाँ का मसल है ये भी स्ट्रेच होगा, और अगर आपको यहाँ पे रिंकल्स आ गए हैं तो वो भी चले जाएंगे। सेकंड जो एक्सरसाइज आता है वो आपको अपना जो सिर है वो आगे की तरफ लेके आना है, फ्रंट एंड एक्सरसाइज। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अपना फेस ऊपर करके स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वो एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे ना, तो आपका यहाँ का जो स्किन है वो लूज हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको आना है एक्सरसाइजेस से भी आपका यहाँ के मसल्स टाइट होंगे, आपके रिंकल्स का प्रॉब्लम जाएगा, आपका जॉ लाइन फर्म होगा, प्लस आपका डबल चिन का इशू भी चला जाएगा। और थर्ड जो एक्सरसाइज आता है उसमें आपको करना है स्काई किस। स्काई किस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेच नहीं करना है, और एकदम आप खींच रहे हो अपने सिर को ऐसे नहीं करना है, जितना आप ऊपर देख सकते हो थोड़ा देखो, बस यहाँ के मसल पे कॉन्सेंट्रेट करना है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, थोड़ा लाइट इस तरह से। फ्रेंड्स, ये जो तीनों एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों एक्सरसाइजेस आपको करते टाइम पे एटलीस्ट 10 सेकंड्स होल्ड करना है, देन वेट करिए, फिर 10 सेकंड्स होल्ड करिए, देन वेट करिए, देन 10 सेकंड्स होल्ड करिए, देन वेट करिए, मतलब 3 रिपीटेशन करने हैं, और उसके सेट्स होंगे सुबह और शाम बेटर रिजल्ट्स के लिए। आप दिन में एक बार करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बेटर रिजल्ट्स के लिए आप अगर 2 बार करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे कि मैं समझो ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, तो मैं 10 सेकंड्स होल्ड करूंगी, देन मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, देन अगेन मैं 10 सेकंड्स के लिए आगे आऊंगी,
देन मैं रिलैक्स हो जाऊँ। इस तरह से मुझे 3 सेट्स करने हैं। और फोर्थ मेरा आखिरी पॉइंट जो आता है वो ये है कि आपको रात को सोते समय जब आप एलोवेरा जेल या कुछ भी नाइट क्रीम या क्रीम अप्लाई करके सोते हो तो उस टाइम को आपको करनी है सिर्फ छोटी सी मसाज। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आपको क्या करना है। हमारे जो यहाँ का मसल एक होता है, यहाँ का मसल एक होता है और यहाँ का मसल एक होता है, ठीक है। तो मैं इसे ऊपर की साइड में मसाज करूँगी ऐसे यहाँ पे जाके, ऐसे कम से कम एटलीस्ट 30-40 सेकेंड्स ऐसे आप मसाज करिए ऊपर की तरफ। नीचे नहीं आना है, ऐसे से नहीं करना है, ऐसे ऊपर जाना, ठीक है। यहाँ से हम ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ से बढ़ा रहे हैं। रात को सोते टाइम पे आप ये करो, मॉर्निंग में भी आप ये कर सकते हो, लेकिन आप रात को करके सोते तो ज़्यादा रिलैक्सफुल रहेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बस ये 4 बहुत आसान चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, प्लस जो मैंने आपको टिप्स बताया था, डाइट रखना है आपको, अच्छे से पानी पीना है और आपको वेट कंट्रोल रखना है, बस उससे आप 1 वीक में बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और आपका बहुत ज़्यादा है तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, उससे भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, आप खुद देख पाओगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह के हेल्थ एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी बताऊंगी। और मेरे सारे वीडियोस बहुत इफेक्टिव होते हैं क्योंकि मैं उनको खुद पे ट्राई करके देख चुकी हूँ। इसलिए अगर आपको मेरे इफेक्टिव एक्सरसाइजेस ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, थैंक यू।